भी ऑफिस चल रहा है ना सर, आप निरीक्षण किए इसमें तो ऑफिस यह चल रहा है डिप्टी डायरेक्टर का। नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा जिला से विशेष खबर दिखाते हैं, जहां जनसंपर्क कार्यालय में बीस सूत्री कार्यालय खोलने पर पत्रकारों ने जताई आपत्ति। दरभंगा समाहरणालय परिसर स्थित प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय के भवन में बीस सूत्री का कार्यालय खोले जाने की प्रस्ताव पर जिला के विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों ने आपत्ति जताई है। शनिवार को जिला के पत्रकारों ने डीएम राजीव रोशन एवं उप निर्देशक सह सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद को ज्ञापन देकर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय में समाचार संकलन व अन्य कार्यों से प्रखंड और जिला स्तर के पत्रकारों का आना जाना लगा रहता है। इस दौरान कई पत्रकार इस भवन के हॉल में बैठकर समाचार संकलन और प्रकाशन से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते हैं। ऐसे में सूचना जनसंपर्क कार्यालय परिसर में बीस सूत्री का कार्यालय खोले जाने से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने पर पत्रकारों के समाचार संकलन की गोपनीयता भंग होगी, साथ ही विभिन्न सरकारी कार्यालय के कार्य संपादन में प्रभाव पड़ेगा। मौके पर दरभंगा के सभी पत्रकार मौजूद थे। देश के भरोसे मन न्यूज चैनल को आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook, Twitter, Instagram पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, खबर आपको मिलती रहेगी। साथ ही दरभंगा के जो बड़े पत्रकार हैं उन्होंने क्या कहा, खबर को पूरा देखिए। धन्यवाद। साहब से मिलने की प्रयास किया, आप लोग डीएम साहब पे चले गए, क्या कुछ कहना चाहते? मांग हमारी कोई नहीं है, हम तो इस बात से क्षुब्ध हैं कि प्रशासन पत्रकारों की गोपनीयता को ही भंग करना चाहता है। पत्रकारों को इतने बड़े समाहरणालय में उनकी कोई जगह नहीं है। एक जगह जहां हमारे साथी उठते बैठते हैं, खबर बनाते हैं, प्रेस क्लब बंद है, खुलने की प्रक्रिया में है, और जहाँ पीआरडी बिल्डिंग में हम लोग खबर बनाते हैं वहीं की गोपनीयता भंग हो रही है। 20 सूत्री का कार्यालय एक यहां भी खोल दिया गया, जबकि 20 सूत्री का कार्यालय ऑलरेडी 6 साल से जो हमारे साथी बता रहे हैं समाहरणालय में जगह आवंटित है उसमें ताला लगा हुआ है और 2 कमरे यहां उनको आवंटित कर दिए गए हैं। इतने बड़े समाहरणालय में यही एक जगह उनको मिली है जो वो 20 सूत्री के लिए उन्होंने आवंटित किया है, जबकि सच्चाई यह है कि पत्रकारों के लिए यह बिल्डिंग है, पीआरडी कार्यालय का यह बिल्डिंग है और यहाँ बैठकर पत्रकार जो सरकार के काम को आगे बढ़ाते हैं, जो दिखाते हैं या फिर जनता की समस्याओं को हम उठाते हैं और हमारे लिए ही कोई जगह नहीं है। तो हमने जिलाधिकारी से, हमारे पत्रकार भाई संजय जी ने इसको बड़ी प्रमुखता से हम लोगों को अवगत कराया है। मैं स्वयं भागकर यहां आया हूं और जिलाधिकारी से मिलने हम लोग गए हैं, लेकिन वो किसी कार्यक्रम में स्थल निरीक्षण के लिए कहीं निकल गए हैं, मुलाकात नहीं हो पाई है। हमने आवेदन रिसीव करा दिया है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में, डीडीसी साहब को भी हमने सूचित किया है क्योंकि इसमें डीडीसी साहब का भी आदेश शामिल है ये जगह आवंटन में, तो हमने डीडीसी को आवेदन ये किया। हमारे जो डीपीआरओ हैं, हमारे इमीडिएट ऑफिसर जो हैं, उनको भी हमने सूचित किया, उसी कार्यालय में हम आपसे मुखातिब हैं। तो डीपीआरओ साहब ने भी कहा है कि हम आ रहे हैं, वो अभी आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत होगी, उनको भी हम आवेदन देंगे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि सरकार किस ओर जा रही है, सरकार की नज़र में पत्रकारों की क्या भूमिका है, क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की कोई जरूरत नहीं है? सरकार खुद उन स्तंभों में से एक है, जहां यह कार्यपालिका है वहां बैठी समाहरणालय वहां अधिकारी बैठते हैं, ये कार्यपालिका भी उसका एक अंग है और हम भी उसके एक अंग है। किसी की कृपा से, किसी के रहमो करम से मीडिया नहीं चल रही है, मीडिया का अपना एक अस्तित्व है, लोकतंत्र का चौथा खंभा है मीडिया और हमारे साथ इस तरह से हो रहा है। हमने सीधे अपने साथियों से कहा है कि अगर बात नहीं मानी जाती है, अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं करें हम करेंगे, हम लोग सीधे सरकार के मुखिया से हम लोग बात करेंगे, अपने डीपीआरओ साहब के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से चल रहा है। और जो विश्वास सूत्रों से पता चला है कि इसको विसूत्री कार्यालय के लिए जिला प्रशासन के द्वारा आवंटित कर दिया गया है, इसका हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्रकार बैठते हैं, पत्रकार से मिलता जुलता विभाग जिला सूचना जनसंपर्क विभाग चलता है, जिससे पत्रकार और विभाग का दोनों का अटूट संबंध है, बिना उस विभाग का पत्रकारिता नहीं हो सकता है। और विसूत्री कार्यालय का मतलब पूरे प्रखंड के नेता और पंचायत स्तर के नेताओं का यहाँ अड्डा हो जाएगा, गोपनीयता भंग होगी, बहुत तरह की बात है। इसलिए हम लोगों ने डीएम साहब से आज आवेदन दे करके और ये मांग किया है कि इसको हटाया जाए, यहाँ पे विसूत्री का कार्यालय नहीं बनाया जाए। विसूत्री का कार्यालय पिछले 5-6 साल से कलेक्ट्रेट में ही चल रहा है, जिसमें ताला लटका हुआ है। वहाँ पुराने डीएम साहब के द्वारा जो है लाखों रुपए की कुर्सी टेबल दिया गया है, वहाँ पे सब पे धूल पड़ा हुआ है, उसको साफ करा के कुर्सी को चालू कराया जाए। यहाँ पे नए जगह पर क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? पत्रकारों के अधिकार के साथ, पत्रकारों के गोपनीयता के साथ प्रशासन खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, इसका हम लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं?
जिला सूचना जनसंपर्क कार्यालय में सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनकी सूचना भी पत्रकार को दी जाती है। पत्रकार यहाँ पर बैठते हैं सरकार के सहयोग में, ना कि अपने सहयोग में, लेकिन पत्रकार यहीं पर लोग आते हैं और खबर भी बनाते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी सूचना जनसंपर्क कार्यालय चल रहा है और सभी रूम पहले से भरे हुए आवंटित हैं। यहाँ पर जो खबरें बनती हैं पत्रकार ही बैठ कर बनाते हैं और सरकार द्वारा जो प्रेस रिलीज उनके कार्यों का दिया जाता है उसके विषय में जानकारी लेने यहाँ पत्रकार आते हैं। तो कहीं ना कहीं पत्रकार के लिए कहीं कोई जगह नहीं है बैठने के लिए और यहाँ पर पत्रकार लोग अपना काम करते हैं। ऐसे में हम लोग की जानकारी में आया कि 20 सूत्री को यहाँ दो कार्यालय का दो रूम आवंटित किया गया, जबकि यहाँ पर पहले से कार्यालय चल रहा है और पत्रकार यहाँ बैठते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पत्रकारों की गोपनीयता पर भी सवाल उठेगा, गोपनीयता नहीं रह पाएगी, लोगों का जमवारा होने लगेगा। तो हम लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो सरकार के भी अंग हैं और हम लोग जहाँ जनता की समस्या को दिखाते हैं वहीं सरकार जो सूचना देती है, सरकार का जो कार्य होता है उसको भी दिखाते हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि हमारा भी ख्याल रखे। तो हम लोग इसी बात पर आपत्ति दर्ज कराए हैं कि यहाँ पर 20 सूत्री का कार्यालय नहीं खोला जाए, पत्रकारों की गोपनीयता बनी रहे, कहीं अन्यत्र पहले से जो 20 सूत्री का कार्यालय है उसी को संचालित किया जाए या कहीं अन्यत्र दिया जाए, लेकिन यहाँ नहीं दिया जाए। इसी को लेकर हमारे पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलने पहुंचा और हमने आवेदन रिसीव करवाया है। जिलाधिकारी से फोन पर बात भी हुई है, उन्होंने कहा है कि उस मामले को देखेंगे।